नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा हाल ही में कई जिलों के जिलाध्यक्ष नगर अध्यक्ष में फेरबदल किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के बिजनौर के जिलाध्यक्ष अनिल यादव को नियुक्त किया गया है। उसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनिल यादव का जिला मुख्यालय पर सिपाहियों ने जोरदार स्वागत किया। अनिल यादव का काफिला धामपुर स्थित उनके आवास से जिला मुख्यालय पहुंचा। जैसे ही सपा जिला उपाध्यक्ष का काफिला शहर स्थित सपा कार्यालय पर पहुंचा तो सपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से लाद कर उनका जोरदार स्वागत किया। अनिल यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिलाध्यक्ष नियुक्ति पर अभिवादन किया और कहा कि उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को बराबर सम्मान दिया जाएगा। साथियों, मुझ पर जो द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भरोसा किया है और जिला नेतृत्व माननीय विधायकों ने, पार्टी के पदाधिकारियों ने, नेताओं ने मुझ पर जो प्यार अपना विश्वास मुझ पर जताया है, पूर्व की भांति उस तरह मैं उनके बीच में खरा उतरने का काम करूँगा और जो पार्टी के जो आंदोलन होंगे, जो भी आदेश होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे, सब लोगों को साथ लेकर चलने का काम करूंगा और जो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं, पुराने नेतागण हैं, जो हमारे युवा साथी हैं, खासकर उनको सबको साथ लेने का काम लेकर साथ चलने का काम करूंगा, संगठन को सबको साथ लेकर चलने का काम करूंगा। और जिस तरह हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई राशिद हुसैन ने भी जो पिछले चुनावों में बढ़ चढ़ कर कमेटी को, संगठन को साथ लेकर चलने का काम किया है, उसी तरह मैं भी उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करूँगा। जो आपने जिलाध्यक्ष बने हैं दूसरी बार, तो आप अपनी क्या क्या चुनौती मानते हैं, हमारे सामने ये चुनौतियाँ हैं? पीछे भी हमारा जिले का रिजल्ट अच्छा रहा और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी लोकसभा के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में जिला बिजनौर का सबसे अच्छा रिजल्ट रहेगा। पार्टी में उनका फोन आया था, कहीं वो आज जाना पड़ा, उनका स्वास्थ्य खराब है, मेरी बात हुई थी रात ही उनसे, तो जैसे मुझे बुखार आ रहा था आपने देखा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को